हेलो गाइस, और कैसे हैं? अभी उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आपके लिए कुछ हट के लेके आया हूँ, हट के टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मैंने अपनी पर्सनल जर्नी है, ठीक है, उससे सीखा है, शायद वो आप लोगों के काम आए। वैसे तो ये सब हर किसी के साथ हैपनिंग होती हैं, ठीक है, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ इंडिया से, ठीक है। तो इंडिया में जब हम होते हैं तो भाई हम पैसा अर्निंग करने के लिए बहुत अलग अलग जॉब्स ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं, अभी हम कैसे पैसे कमाएं, ठीक है, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सोचते हैं, हर किसी का माइंड होता है ये सब सोचता है कि यार कैसे अर्निंग की जाती है, ठीक है, और कैसे हम कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो भाई ये सब को लेके आज वीडियो है। जो भाई चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। तो चलो चलते हैं वीडियो में, बनते हैं। मैं आपके साथ इंडिया से शेयर करता हूँ कि इंडिया में जब हम होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत से वे होते हैं जिधर हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते वक्त हमारे दिमाग में जो में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, अलग अलग सबका माइंड सेट होता है। कोई जॉब की तरफ जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। कुछ भाई मेरे जैसे होते हैं, ठीक है, जिनका माइंड सेट होता है कि ना नहीं भाई मेरे को आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो भाई यहाँ पे जो जीरो वाला रोल है ना, जीरो वाला रोल होता है, अभी जीरो से लाइफ स्टार्ट करनी है। जीरो एक ऐसी होती है कि अगर आगे लग जाए तो जीरो होती है, अगर जो पीछे लग जाए, ठीक है, एक के पीछे लगती लगती चली जाए तो बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो जीरो से लाइफ स्टार्ट करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरी लाइफ का मैं जो पार्ट है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वही जीरो से हमने लाइफ स्टार्ट की थी, हम अफगानिस्तान गए, वो कुछ अलग करने के चक्करों में हम कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। ये एक डिफरेंट सोच होती है, ठीक है, अपने अपना अपना माइंड सेट होता है, हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए भाई हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जब हम स्टेप बढ़ा लेते हैं आगे तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता पीछे जाने का। तो हमारे को कुछ ना कुछ करना होता है भाई, कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे पेरेंट्स हमारे पे प्राउड फील करें। तो यही कुछ करने के चाहते और सुनते आ रहे हैं कि बचपन में हमारे मम्मी डैड और ठीक है दादा दादी सभी बोलते हैं भाई हमने बहुत मुश्किल से ये कुछ खड़ा किया है, ठीक है, जो भी उन्होंने घर बनाया, जो प्रॉपर्टी खरीदी, वो बहुत मुश्किल से यानी कि जीरो से स्टार्ट करके उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ था वो सब कुछ हमारे लिए, ठीक है। फिर बाद में हम सोचते हैं चलो हम और इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो इसको सोचते सोचते हमारा माइंड सेट थोड़ा अलग होता है, हम ये कुछ सोचते सोचते थोड़े डिसीजन होते हैं जो अलग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम की बात में इतना कुछ नहीं था, पर आज की टाइम में ठीक है जॉब्स इंडिया में बहुत कम है, बहुत भाई कर रहे हैं बट प्राइवेट कर रहे हैं तो बहुत कम अर्निंग होती है। तो आज के टाइम में ज़्यादातर यूथ जो होता है वो आउट ऑफ कंट्री आना चाहता है, ठीक है, जॉब्स के लिए। तो उन्हीं में से हम हैं भाई, ठीक है, जिन्होंने चूज़ किया था यूरोप का रास्ता। तो यूरोप के रास्ते में भाई मैं यहाँ पे आया यूरोप में, तो यूरोप में देखा भाई जीरो से स्टार्ट करना भाई, ठीक है। तो वही बातें बार बार याद आती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पापा जी हैं वो भी बोल देते थे भी ये मेरा बनाया हुआ है तुम अपना करके दिखा, ठीक है। तो ऐसा कुछ जब वो बोलते थे ना गुस्सा आता था भी, हाँ यार ये क्या बोल रहे हैं यार, ये क्या, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है, ठीक है, जो कि उन्होंने हमारे लिए किया था, हमारी बारी है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, ठीक है। तो यही उनका माइंड सेट था, वो सिखाते थे भी हाँ यार हमने जीरो से उठाया है ये यूरोप लाइफ में भाई, वो जीरो अब समझ में आई। तो यहाँ पे आके वो इमेजिन की वो बातें जो आज से हमारे को 20-25 साल पहले सुनाते थे घर वाले भी, नहीं कुछ कर ले काम कर ले, ठीक है। तो ये बातें अब जाके जहन में बड़ी, ये कैसे यार ये बातें सच थी। तो आज हम यूरोप में बैठे हैं, तो आज हमारे को लाइफ यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करनी पड़ रही है भाई। इंडिया में हमारे पास सब कुछ है, घर प्लाट सब कुछ है,
खाने पीने के लिए सब कुछ है, पर यहाँ पे आके हमारे पास ठीक है एक घर भी रेंट पे लेके रहते हैं, ठीक है, दूसरा साइकिल लेनी पड़ती है, यानी जीरो से स्टार्ट करना भाई। पहले पैदल चलते हैं, फिर साइकिल होती है, साइकिल से फिर गाड़ी बाइक जो भी है अपना, जैसे आपकी जॉब से है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करते हो अपने आप को भी, और जो अपने जो थिंग्स है वो प्रोवाइड करते हो अपने लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भाई जीरो से स्टार्ट करना बहुत हार्ड है यहाँ पे, तो मेरे को तो अब जाके यहाँ पे समझ आया भी ये बहुत ही मुश्किल था जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है, वो बहुत ही बड़ा रोल अदा किया उन लोगों ने हमारे लिए, ठीक है। तो अभी जीरो से खड़ा करना भाई यहाँ पे अपने आप को बहुत मुश्किल लगता है अभी, ऐसा इतना टफ डिसीजन तो ले लिया क्योंकि इंडिया में जॉब नहीं है भाई, डिसीजन तो ले चुके थे हम कभी के, क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ नहीं बनना भाई, तो इसलिए हम आउट ऑफ कंट्री आए तो कमा रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे फिर भी अभी तक मेरे को भी 1.5 साल हो गया, अभी तक मैं यहाँ पे साइकिल नहीं ले पाया अपनी, ठीक है। तो बहुत हार्ड है भाई यूरोप की लाइफ में जीरो से स्टार्ट करना, तो वही बातें बहुत याद आती हैं यार घर वालों की, जो वो बोलते थे ना भी हाँ जीरो से स्टार्ट तो करके कुछ दिखा, अपने पैरों पे खड़े होकर दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे वही घर लेना बहुत बड़ी बात है, जिसके पास घर है ठीक है उसके पास सब कुछ है, रेंट पे तो यहाँ से भी रह रहे हैं, रेंट पे रहना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रेंट पे तो हर एक कोई रह लेगा, बाकी यहाँ पे घर लेना बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, आओ सभी आओ बाहर, ठीक है। जो मेरी पर्सनल लाइफ से मैंने सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। आउट ऑफ कंट्री अच्छी है बट यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना भाई सभी के साथ, सभी ने सुना ही होगा भी हमारे घर वाले कहाँ से कैसे और कैसे उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ किया, तो वो आप सब कुछ यहाँ पे रियलाइज करोगे आके जब आप यहाँ पे होंगे यूरोप में, अमेरिका में लगा लो, यूरोप में लगा लो, कनाडा जो भी है जिधर भी आप जाओगे, तो आपको जीरो से स्टार्ट करने जब आप करोगे ना तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद आएंगी कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, ठीक है। जब हम बोल देते हैं क्या किया है ना, बहुत से बोल देते हैं क्या किया है हमारे लिए, तो ये चीज़ें भाई बहुत ही अभी यहाँ आके मेरे को बहुत ही यानी कि अलग लगी। तो आज यार बहुत ही अलग तरह का फील होता है यहाँ पे रह के भी, हाँ यहाँ की लाइफ अलग है, जीरो से स्टार्ट करना बहुत हार्ड है भाई। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट करके जरूर बताना। तो यूरोप की और भाई अदर कंट्रीज की लाइफ यही है, तो जीरो से स्टार्ट बहुत हार्ड होता है अभी कर। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू गाइस एंड बी सेफ।